वोट दें जहां आप अभी हैं। आरवीएम दस्तियाब हो रहा है, महाजन के मुकाम से वोट डालने की सहूलत इलेक्शन कमीशन आरवीएम दस्तियाब कर रहा है। अगले माह की 16 तारीख को सियासी जमातों के सामने मुजाहरा, इलेक्शन कमीशन ने 31 जनवरी से पहले अपनी राय दही देने को कहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए कहीं हिजरत करते हैं और इंतखाबात के दौरान अपने आबाई शहर वापस आकर वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना महंगा है, ताहम अब ये दर्द बाकी नहीं रहेगा। आरवीएम जल्द ही तारिकीन वतन के लिए अपने आबाई शहर में वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए दस्तियाब होने वाले हैं। आरवीएम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिवा कुछ नहीं है, ये भी मौजूदा ईवीएम की तरह काम करेंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस नई पॉलिसी को अगले माह की 16 तारीख को सियासी जमातों के सामने पेश करने के इंतजाम किए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस नए तजुर्बे को देखने के लिए 8 कौमी और 57 इलाकाई जमातों को मद्दू किया गया है। गुज़िश्ता रोज इस मुजाहरे के बाद इसने 13 सफहात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज मुतालिका फरीकों को भी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि वो 31 जनवरी से पहले तहरीरी तौर पर अपनी राय दही दें। अगर ये नया आरवीएम सिस्टम दस्तियाब हो जाए तो नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात दूर हो जाएंगी, वोटिंग का फीसद बढ़ेगा। अगर आरवीएम सिस्टम दस्तियाब कराया जाता है तो वोटिंग फीसद में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सिर्फ 67.4% लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि तकरीबन 30 करोड़ वोटर्स वोट डालने से महरूम रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि किराए के मकानों में रहने वाले दूसरे मकान में जा रहे हैं और जो लोग नकल मकानी कर चुके हैं वो वहीं रह रहे हैं। जैसे ही वो अपने आबाई शहर में नहीं पाए जाते, इनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। इसकी एक और वजह दूसरी जगह जाने के बाद वोट का इंदराज न होना है। अब आरवीएम इन सब के हल के तौर पर आ रहे हैं। ताहम कुछ जमातें इलेक्शन कमीशन की तजवीज करदा इस नई पॉलिसी का खैर मकदम करती हैं, जबकि कुछ इसकी मुखालिफत करती हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पूछा कि इस वक्त जब ईवीएम के बारे में शकूक व शुभात हैं तो वीआरएम की क्या साख है। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि रिमोट वोटिंग से वोटिंग का निजाम बदल जाएगा और इंतखाबी जमहूरियत को मजबूत करने में मदद मिलेगी।